चैत्र नवरात्र का आठवां दिन 16 अप्रैल दिन मंगलवार को है। इस दिन दुर्गा जी के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है। राहु दोष निवारण के लिए इनकी पूजा आवश्यक है। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और समस्त दुखों का नाश होता है। माता महागौरी धन वैभव की देवी है। धन वैभव देने वाली माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के आठवें दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। चैत्र नवरात्रि 2024 अष्टमी तिथि नवरात्रि के आठवें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि और 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 पर समाप्त होगा और चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी 16 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। वही चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 तक रहेगा और माँ महागौरी को प्रिय भोग और पुष्प माँ दुर्गा की आठवें स्वरूप महागौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय है। इस दिन माँ के चरणों में मोगरे के फूल को अर्पित करना शुभ माना गया है, इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी माला अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को नारियल की बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी व्रत रखकर माता को पूजा में 16 चीजें जैसे फल फूल सुपारी पान लड्डू मिठाई 16 चूड़ी 7 अनाज फूल की 16 माला आदि चढ़ानी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पूजा में 16 चूड़ियां अर्पण करने से माता खुश होती है। पूजा के समय मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। और माँ महागौरी की पूजा विधि की बात करें तो माँ महागौरी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, फिर माँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से साफ कर लें। माँ महागौरी को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए माता महागौरी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को रूली व कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर मिष्ठान पंच मेवा और फल अर्पित करें। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय उन्हें काले चने का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी शुभ माना जाता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।